तरफ दिवाळी पर्व ने लेने ट्रेन में वेटिंग चाली रही है। मोटा भागनी ट्रेन हाउसफुल है। दिवाळी पर्व निमित्ते वतन जता मुसाफरों धसारो होवाथी ट्रेन में वेटिंग है। खास करीने दिल्ली और अयोध्या माटेनुं वेटिंग चाली रही है। उत्तर भारत तरफ जती ट्रेन में पण मुसाफरों धसारो है। आ उपरांत धार्मिक स्थलों जती ट्रेन में पण वेटिंग है। दिवाली बहुत नजदीक है, छठ भी नजदीक है। छठ और दिवाली के साथ में जो त्यौहार है और काफी महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके लिए पश्चिम रेलवे ने दो एडिशनल ट्रेन चलाई है। एक तो पटना के लिए चलाई है और एक जबलपुर के लिए चलाई है। इसके साथ में जिन ट्रेनों के अंदर 24 कोच नहीं है, वो 24 कोच से कम है, उस ऐसी हम लोगों ने 18 ट्रेन के अंदर एडिशनल कोच लगा के यात्रियों को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है। रेल प्रशासन इस बात का भी ख्याल रखे हुए है कि जिन ट्रेनों के अंदर रश बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा अगर वेटिंग आएगा तो हम लोग उस रूट पे एडिशनल ट्रेन चला सकते हैं, मतलब विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो रेल प्रशासन इस बात का पूरा ख्याल रखे हुए है। कोरोना ना बे वर्ष बाद लोगों ने त्यौहार उजवा माटे छूटछाट मळी छे अने आ त्यौहारों ने जोता अने खास करीने दिवाळी पर्व ज्यारे नजदीक में छे त्यारे रेलवे में जे ट्रेनों में हाउसफुल जे छे ते बोलाई रह्यु छे, वेटिंग चाली रह्यु छे अने जे प्रकारे माहिती मळी रही छे ते प्रकारे दिल्ली अयोध्यामां जे छे मोटू वेटिंग हाल में चाली रह्यु छे। ट्रेनों हाउसफुल जे छे ते चाली रही छे दिवाळी पर्वनी पहेला। આ જોતા લાગી રહ્યું છે કે લોકો જે બે વર્ષ કોરોનામાં ઘરમાં રહ્યા હતા, ક્યાંક ગુંગળાયા હતા, ક્યાંક જે છે તેઓ જે પ્રકારે અલગ વાતાવરણમાં રહી રહ્યા હતા તેમાંથી તેઓ બહાર આવ્યા છે અને તેના કારણે હાલ અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનમાં જે મુસાફરોની સંખ્યામાં પણ જે છે વધારો થયો છે અને ઉત્તર ભારત તરફ જતી ટ્રેનમાં સૌથી વધુ ઘસારો જે છે તે પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ જ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે રેલવે વિભાગ દ્વારા કેટલીક ટ્રેનો વધારાની દોડાવવાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે, દિવાળી પર્વ માટે પણ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે અને મુસાફરોની સંખ્યાને પહોંચી વળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। આ પ્રકારનું આયોજન રેલવે વિભાગ જે છે તે કરી રહ્યું છે અને દિવાળી પર્વ ઉપર રેલવે મુસાફરોને કોઈ હાલાકી ન પડે તેનું વિશેષ પ્રકારે ધ્યાન આપીને તે પ્રકારની સુવિધાઓ પણ જે છે તે ઉભી કરાઈ રહી છે। કેમેરામેન મનીષ ત્રિવેદી સાથે દર્શન રાવલ ટીવી 9 અમદાવાદ।